हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप्स, सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। हम आपको कभी भी कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से आपको इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। ऑप्शन लर्निंग सीरीज़ में हमने कुछ शुरुआत की, जहाँ से हमने ऑप्शंस को बिल्कुल बिगनर लेवल कंटेंट आपके साथ शेयर किया और उसके अंदर में हम कुछ हद तक कुछ आगे बढ़ पाए। आज हम आपके साथ में शुरुआत कर रहे हैं कुछ स्ट्रैटेजीज़ की, जो अभी तक हमने इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर की उसके बेसिस के ऊपर हम कुछ स्ट्रैटेजीज़ को आपके साथ में बना करके शेयर करेंगे, अपने स्किल को डेवलप करेंगे और देखेंगे कि क्या कोई स्ट्रैटेजी है, क्या है क्या नहीं, सब कुछ लाइव करके देखेंगे। सेशन बहुत इंटरेक्टिव होगा, बहुत मज़ेदार होगा। पूरी कोशिश करूंगा कि कम से कम टेक्निकल चीज़ें, कम से कम कुछ ऐसी लैंग्वेज का यूज़ ना हो, बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करेंगे। नहीं करते एक मिनट का भी डिले और चलते हैं सीधा लाइव स्क्रीन पर और देखते हैं मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। देखिए, जो ऑप्शन का ट्रेडर है, चाहे वो रिटेल है, फ्रेशर है, बिगनर है, इंटरमीडिएट है, जो कुछ भी है, जब वो ऑप्शन की चीज़ों को समझने की कुछ हद तक शुरुआत करता है, तो सबसे पहली बेसिक स्ट्रैटेजी जो उसके दिमाग में आती है और जो किताबों में भी आपने कई बार सुनी देखी होगी, वो ऑप्शन स्ट्रैटेजी होती है कॉल को बाय कर लो। कॉल को बाय करने के पीछे क्या थॉट्स होते हैं उसको हम एक मिनट के लिए समझते हैं। अगर आपको लगता है, सीधा सीधा अगर आपको लगता है कि कॉल को बाय, बाजार ऊपर जा रहा है तो कॉल को बाय कर लो, और बाजार ऊपर गया तो आपकी जो कॉल बाय है, जो आपने एक नेकेड कॉल बाय पोजिशन बना रखी है, वो आपको प्रॉफिट बना करके दे देगी। पर इसके पीछे क्या ये इतना ही सरल है कि बाजार ने अगर ऊपर जाना है, अगर आपका चार्ट आपको कह रहा है कि आपको कॉल बाय कर लेनी है और आप कॉल बाय कर लेते हो तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा? समझने की चीज़ है, क्या ये इतना सरल है? सरल है तो फिर सारे के सारे लोग पैसे क्यों नहीं बना रहे? और अगर कठिन है तो फिर उस सिचुएशन में जो सुपर एक्सपर्ट्स हैं वो इस काम को छोड़ करके क्यों नहीं जा रहे? तो ऑल इन ऑल बात सारी की सारी यार इसके पीछे ना कई मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये भला क्या है, क्या है क्या नहीं। आइए सबसे पहले हम एक मिनट के लिए चलते हैं अपने, ये आप सामने देख रहे हैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। चार्ट एनालिसिस पर बातचीत हमने बहुत कर ली, इस पर कई सेटअप बैठा बना करके दे दिए, और हम मानते हैं कि आप एक इंट्रा, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि आप इंट्राडे ट्रेडर हो और आपको लगता है कि बाजार में तेजी होगी, निफ्टी के अंदर में आपका तेजी खेलने का मन है। तेजी खेलने की सिचुएशन में आप अपने आप से पूछते हैं यार आप क्या क्या कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं आप निफ्टी में, आप निफ्टी के फ्यूचर को लॉन्ग कर सकते हो, आप और ज़्यादा स्मार्टली एक्ट करो तो आप एक काम और कर सकते हो, आप इंट्राडे के अंदर में निफ्टी 20 में भी ट्रेड कर सकते हो। उसके ऊपर बात ज़्यादा नहीं की गई, पर चलो खैर कोई बात नहीं, आप निफ्टी 20 में भी ट्रेड कर सकते हो अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है तो। आमतौर पर लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता, खैर कोई बात नहीं, पहली ऑप्शन हो गई। चलो आप देखते हैं यार और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पहली हो गई ऑप्शन, निफ्टी के फ्यूचर को, जुलाई फ्यूचर को लॉन्ग कर दो आप। कितने का आता है जी वहाँ पर आपका? जी करीब करीब मार्जिन लगता है 70,000 रुपये। ठीक है, इंट्राडे विंट्राडे जो भी कहानी है इसमें आपको ये कोई 70,000 रुपये का आपका मार्जिन मांगता है, पहली चीज। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, निफ्टी 20 को ऐड कर लो। ये निफ्टी 20 है, ये इंडेक्स के ETFs है, मैं आपको बताऊँ, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ये निफ्टी को रेप्लिकेट करता है। यहाँ पर आपका मन करता है भाई, आप कहते हो यार मेरे पास 70,000 रुपये नहीं है, पर मेरे को निफ्टी में सौदा बनाना है, मेरे को निफ्टी में तेजी खेलनी है, पर मेरे पास 70,000 नहीं है, मेरे पास 5-7-10,000 रुपये है, मैं क्या करूँ? आप यहाँ पर भी काम कर सकते हो। ये देखो, आप निफ्टी 20 में जाते हो, यहाँ पर आप इंट्राडे में एक यूनिट बाई करने की कोशिश करते हो, भाई साहब एक यूनिट यहाँ पर आपको 55 रुपये की मिल जाती है। आप 100 क्वांटिटी में ट्रेड कर लो, लो 100 क्वांटिटी में 5500 रुपये में आपका काम हो जाता है। आप कह रहे यार ये तो बड़ी मजेदार चीज बता दी यार, 200 क्वांटिटी में काम कर लो 10,000 रुपये में, 11,000 रुपये में आपका काम हो जाता है। ये गेम है यार कि निफ्टी में तेजी करने के लिए आपके पास निफ्टी फ्यूचर्स भी है, अगर आपके पास मार्जिन कम है और आपको निफ्टी में ट्रेड करना है तो आप निफ्टी 20 में भी ट्रेड कर सकते हो। ये इंडेक्स के ETFs होते हैं, पर जैसा आज का ये डिस्कशन इनके ऊपर नहीं है, आज हम आपसे बात करना चाह रहे हैं ऑप्शन बाइंग के बेसिस पे। तीसरी ऑप्शन आपके पास क्या होती है? आप कहते हो नहीं यार मैं तो ऑप्शन बायर हूं, मैं तो ऑप्शन बाय करके थोड़े पैसे से ज्यादा पैसा बनाने की कोशिश करूंगा। डेफिनेटली डेफिनेटली ये एक वैलिड रैशनल डिसीजन है, आप डेफिनेटली ऐसा कर सकते हो, पर क्या आप कर सकते हो, पर क्या ऐसा कर पाओगे उसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए निफ्टी चल रहा है 24,530 के आसपास, तो हम एक काम करते हैं, हम 24,500 की, आपने दिमाग लगाया यार मैं 18 जुलाई की 24,500 की कॉल खरीद लेता हूं। आपके सामने है, जो ऑप्शन ट्रेडर है उसको पता है कि मैं क्या गाना गा रहा हूं,
एक मिनट के लिए ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। ये मैंने ऑप्शन चेन ओपन करी हुई है, ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है 18 जुलाई की, इसकी कमिंग वीक की इसकी एक्सपायरी 18 तारीख की। ये आपके सामने ऑप्शन चेन, ये स्ट्राइक प्राइसेस, ये कॉल्स होती हैं, ये पुट्स होती हैं, ये वाले एट द मनी के रीजन होते हैं। 24500 पर बाजार है, 24500 पर सीधा सीधा आप उसका देखते हो कि भैया क्या रेट चल रहा है। 128 130 में खरीद लो, 130 बेच लो, इस तरह से, माफ कीजिए 130 खरीद के 128 बेच लो, ये सामने आपके बिड और आस के रेट चल रहे हैं, 24500 के रेट हैं। सिंपल सा मैथमेटिक्स है यार, निफ्टी को तेज करना है। आपने कहा यार पैसे कम है, पैसे कम है यार, आपको निफ्टी 20 भी नहीं करना, तो आपने कहा 24500 की, चलिए 24500 की कॉल खरीदते हैं। 24500 की कॉल आपको मिलती है 128.85 रुपए की। आप इस पे बाय पे क्लिक करते हो, इंट्राडे में यहाँ जाते हो, ये आपके भाई साहब सबसे सस्ता जुगाड़ है, ये आपके 3100-3200 रुपए में आपका काम हो जाता है। आप यहाँ पर एक बाय पोजीशन 3200 रुपए में बना देते हो। वेरी वेरी सिंपल मैथमेटिक्स, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबसे आसान काम है। ऑप्शन ट्रेडर के लिए ये दुनिया का सबसे पहला, सबसे आसान, सबसे एलिमेंट्री स्टेज है, कुछ नहीं है इसमें इससे ज्यादा। चलिए ठीक है, ओके फेयर, यहाँ पर आप 3200 रुपए लगाते हो। अभी तो खैर बाजार बंद है, ट्रेड नहीं खड़ा हो पाएगा, पर आपका 3200 रुपए में ट्रेड खड़ा हो जाता है। आओ देखते हैं, चलो यार हम अपनी डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देख करके चलते हैं कि हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। ये देखो 24500 पर आप एक कॉल को बाय करते हो, ये कॉल आप इस पर ऐड करते हो, ये आपका, मैं आपको एक कुछ बास्केट ऑर्डर बना करके दिखा रहा हूँ, कुछ एनालिसिस मोड पर मैं आपको ले जा रहा हूँ आगे। अब ये खेल देखो क्या होगा, अब आप इसको एनालाइज करने पे लगाते हो, कुछ अब इसकी फोटोग्राफ देखते हैं कि फोटोग्राफ कैसी बनती है। ये इस प्रकार की फोटोग्राफ बनती है और ये इसकी एनालिसिस समरी आती है। बाजार जितना ऊपर जाता है उतना आपको प्रॉफिट आता है, इसलिए जब आप देखते हो ना कि जो ऑप्शन बाय होती है उसके अंदर जो प्रॉफिट का पोटेंशियल होता है, प्रॉफिट का पोटेंशियल हमेशा उसके अंदर में मैक्सिमम होता है कि बाजार कितना भी ऊपर जा सकता है। पर वो बात अलग है कि 18 जुलाई तक में बाजार भी ऊपर जाने की उसकी लिमिट है कि इन्फिनिटी कहीं ना कहीं आकर के तो रुक जाएगा, तो ये अनलिमिटेड कहना गलत है, बट ठीक है लिखने का तरीका है। अगर अनलिमिटेड ना लिखता तो यहाँ पर वो और क्या लिखता, कोई रकम तो लिख नहीं सकता था, तो उसको तो पता नहीं है कि 18 जुलाई तक बाजार कहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पर उसने जो अनलिमिटेड लिखा हुआ है ना, ये सब्जेक्टिविटी को लेकर के है, मतलब ये कोई मान लो यार कि ठीक है 18 जुलाई तक कहीं पर भी बाजार चला गया, जहां तक बाजार चला गया आपको प्रॉफिट आ जाएगा, तो ये अनलिमिटेड इसलिए अनलिमिटेड लिखा जाता है। इसीलिए जो नेकेड ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी होती है ना, उसके अंदर में प्रॉफिट पोटेंशियल को अनलिमिटेड के नाम पे शो किया जाता है, और एक रिटेलर को ना बड़ा एंटाइसिंग लगता है, बड़ा एक्साइटिंग लगता है, यार ऐसी चीज है यार मेरा लक क्या रहा है, 3200 रुपया तुक्का लॉटरी तो है, 3200 रुपए का मेरा तुक्का, इससे ज्यादा मेरे को क्या दिक्कत है इसके अंदर, मैं 3200 का तुक्का खेल लेता हूँ। बाजार ऊपर भागा तो अनलिमिटेड प्रॉफिट, और बाजार अगर यहीं रुका रह गया और नीचे गिर गया तो कोई बात नहीं, लॉटरी का टिकट है, 3200-3100 रुपए का मिल रहा है, खरीद क्या चिंता है, नीचे गया तो कोई बात नहीं ना, पैसे बहुत हैं। बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है, बाजार अगर यहीं रुक गया या नीचे गिर गया तो आपको 3200-3100 रुपए का लॉस आएगा, बाजार अगर ऊपर भाग गया तो आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड है, इन्फिनिटी तक है, बड़ा ह्यूज पोटेंशियल है, सीधा सीधा सा मैथमेटिक्स है। इस प्रकार ये नेकेड कॉल ऑप्शन बाय काम करती है, ये उसके इस प्रकार की फोटोग्राफ बनती है। यहां तक भी मुझे पता है कि आप सब कुछ जानते हैं, यहां पर भी मैंने आपको कुछ नया नहीं बताया, आगे चलते हैं। पहला हमने यहां पर एक मिनट के लिए रिइटरेट कर लेते हैं, नेकेड कॉल बाय कब बाय करते हैं, जब आपको लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा, ठीक। दूसरा, प्रॉफिट पोटेंशियल इसमें अनलिमिटेड होता है क्योंकि बाजार जितना भी ऊपर जा सकता है आपको प्रॉफिट आना है। तीसरा, लॉस या रिस्क इसमें हमेशा लिमिटेड कैप होती है क्योंकि जितना प्रीमियम आप देते हो ना उतना ही तो प्रीमियम आपका जा सकता है। यार अब इसको लॉटरी का टिकट मान लो, यार किसी जमाने में दिल्ली शहर में लॉटरी चलती थी, फिलहाल बंद है, पता नहीं बाकी स्टेट्स में क्या हाल है। लॉटरी के टिकट्स का बड़ा सीधा सीधा सा मैथमेटिक्स होता है, 500, 20, 5, 10, 20, 50, 100, 500 जितने की लॉटरी खींची है आपने, नंबर लग गया तो आपकी लॉटरी, नहीं लगा तो आपने जो पैसे दिए हैं वो सुहा हो जाते हैं। सेम मैथमेटिक्स है यार, नेकेड ऑप्शन बाइंग बराबर है लॉटरी। आप इसको ऐसे भी समझ लो कि बाजार, आपने 24500 पर एक तुक्का खेल दिया, आपको लगता है बाजार 24500 से ऊपर है, 24500 से जितना ऊपर जाएगा ना एक्सपायरी के टाइम के ऊपर में 18 जुलाई से, बाजार 24500 से जितना ऊपर है ना हर पॉइंट के पीछे आपको 2500 रुपए मिलने हैं क्योंकि 25 का लॉट है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर हम कुछ थोड़ी सी बात समझ पाए, हमने इसका कुछ एक फोटोग्राफ भी देख ली, यहाँ पर प्रॉफिट और ये लॉस हमने देखा, और आगे डिस्कशन को लेकर के चलते हैं। अब हमारे पास, अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि बाजार में तेजी है तो बाजार में तेजी में आपको कॉल बाय करना है, पर अब हम कुछ उन फैक्टर्स को एनालाइज एक मिनट के लिए करने की कोशिश करते हैं जिन फैक्टर्स पर आमतौर पर ऑप्शन ट्रेडर की नजर नहीं जाती है। आमतौर के ऊपर ना, आमतौर पर मैं आपको विश्वास दिलाऊं, नेकेड ऑप्शन बाइंग कॉल ऑप्शन के ऊपर में अगर आप कुछ वीडियोस देखने की कोशिश करेंगे या ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे ना कि नेकेड ऑप्शन बाइंग और कॉल ऑप्शन बाय करनी है, ज्यादातर वीडियो यहां पर आकर के खत्म हो जाएंगे यार। ज्यादातर वीडियोस ये बताएंगे कि बाजार ने ऊपर जाना है तो कॉल खरीद लो, नीचे जाना है तो पुट खरीदो, पर अभी हम फिलहाल कॉल पर बात कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है बाजार में तेजी है। सिंपल मैथमेटिक्स यार, तेजी है तो कॉल खरीदो, वीडियो खत्म। इससे ज्यादा कॉल ऑप्शन बाइंग पर कोई बात नहीं करता,
हम अपने डिस्कशन को, विश्वास जानिए हमारा डिस्कशन इसके बाद ही शुरू होता है, ये तो आप सबको पता है। आगे देखते हैं कि और हम आपको और नया क्या, नया तो खैर छोड़ो, हम आपको और क्या बता सकते हैं आपके कैसे काम आएगा, वो आप एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लो। ये ठीक है, यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर मैंने एक ऑप्स्ट्रा से मैंने एक ऑप्शन चेन एक ओपन कर ली, ये फ्री का डेटा है सामने, इसके लिए मैंने कोई पैसे नहीं खर्चे और मैं इनको किसी भी तरीके से प्रमोट भी नहीं कर रहा, फ्री का डेटा है, मैं फ्री का डेटा सामने से आपके सामने मैं यूज कर रहा हूँ। ये एक ऑप्शन चेन है, इसमें ना ये दुनिया जान की ना चीजें आती हैं, और मैं अब आपको लेकर के जाना चाहता हूँ ऑप्शन की वो दुनिया में जो आपके ऑप्शन के प्राइसेस के ऊपर रियल मायने में इफेक्ट डालती है, जहां से आपके प्रॉफिट और लॉसेस डिजाइन होने शुरू होते हैं। अभी तक जो आपने देखा वो क्लरिकल था यार, वो बच्चों वाला काम था, किंडरगार्टन था, अब खेल आएगा आगे, समझने की कोशिश करेंगे कि है क्या, कहानी क्या है वो देखो। अभी हम वापस 24500 पर आए, ये 18 निफ्टी 18 जुलाई है, 18 जुलाई 24500 का ये स्ट्राइक है। अब ये स्ट्राइक है ना, ये दुनिया जान का ना और एडिशनल डेटा आ गया यहाँ पे, ये एडिशनल डेटा आ गया, डेल्टा थीटा वेगा तीनों मैंने यहाँ पर, तीनों के तीनों मैंने यहाँ पर ऑप्शन के ग्रीक्स लगा दिए। अब आपको ये गेम में ऑप्शन के ग्रीक के पर्सपेक्टिव से बताना चाहता हूँ, आप समझते जाओ कि अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको आपके फेवर में क्या क्या चीजें आपको आपके फेवर में लेकर के आनी है, अब खेल शुरू होगा असली। सबसे पहले तो नेकेड कॉल ऑप्शन आप तभी बाय करते हो कि जब आपको लगता है कि बाजार में तेजी है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि सबसे पहले आपको चार्ट रीडिंग आनी चाहिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बाजार में तेजी है। अगर बाजार रुक जाएगा या नीचे चला जाएगा तो आपकी नेकेड ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी जो है वो आपको लॉस दे देगी। सबसे पहली चीज अपनी कॉपी में ये लिख लो, आप यहाँ पर डायरेक्शन को प्ले कर रहे हो, डायरेक्शन को प्ले करने का सीधा सीधा मतलब है कि आप ये अनुमान लगा रहे हो, आप ये एज्यूम कर रहे हो, आप ऐसा सपोज कर रहे हो, आप ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हो कि बाजार ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तभी तो कॉल खरीदिए मेरे भाई। अगर ऊपर ही नहीं जाना था, बाजार ने रुकना था या नीचे जाना था, तो कॉल खरीदने का कोई मतलब नहीं होता। तो सबसे पहली चीज आपकी चार्ट रीडिंग करेक्ट होनी चाहिए, बाजार को ऊपर जाना चाहिए। अब आगे तो क्या जब बाजार ऊपर चला जाएगा तो इतने में आपका काम हो जाएगा, मेरी समझ कहती है बिल्कुल भी नहीं होगा, इसके बाद असली खेल शुरू होगा। और वो ये है, जब आप 24500 की कॉल खरीदोगे ना, तो सबसे पहले आप ऑप्शन का एक ग्रीक देखोगे जिसका नाम है डेल्टा। का मतलब क्या है, डेल्टा पर एक फिगर लिखी हुई है 53.48 रुपए। इस 53.48 रुपए का सीधा सीधा मतलब मेरे भाई ये है कि अगर निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर चला गया, 24500 से 24600 हो गया, 100 पॉइंट ऊपर चलेगा ना, तो आपको 50 पॉइंट का बेनिफिट आएगा। मे बी सरप्राइजिंग, मे बी न्यू, मे बी आप इस चीज को अवेयर हो, पर आपको पता होना चाहिए कि बाजार 100 पॉइंट चलेगा तो भी आपको 100 पॉइंट का बेनिफिट नहीं आएगा, आपको मात्र 53.5 पॉइंट का बेनिफिट आएगा एज पर दिस लाइव डेटा। आपको लगता है यार ये क्या यार, ये तो मेरे पास धोखा हो गया यार, मैंने मार्केट को एनालाइज भी अच्छे से किया, मैंने चार्ट को भी अच्छे से रीड किया, बाजार मेरी दिशा में चला, अभी 100 पॉइंट चला, मेरे को 100 पॉइंट दो। पर ऑप्शन मेरे भाई ऐसे काम नहीं करता, ऑप्शन का ये मूल इन बिल्ट उसका ये थ्रेड है, उसका ये इन बिल्ट फीचर है जो हमें समझना पड़ेगा, और वो सबसे पहले नंबर पर आता है डेल्टा। आप कहते हो यार कि भाई मेरे को तो रिवॉर्ड ज्यादा चाहिए, मैं तो नहीं मानता यार, मेरे को तो नहीं चाहिए 53.5 यार, बाजार मेरा 100 पॉइंट चले और मेरे को 53.5 पॉइंट का बेनिफिट हो, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे को ज्यादा पॉइंट का बेनिफिट हो। अगर आप ज्यादा पॉइंट का बेनिफिट लेना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा थोड़ा इन द मनी की तरफ अग्रसर होना है। आप जैसे जैसे थोड़ा सा इन द मनी की तरफ चले जाओगे, वैसे वैसे ही आपका डेल्टा बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे डेल्टा बढ़ना शुरू होगा वैसे वैसे आपको आपका डेल्टा बढ़ने से मतलब है आपको आपका ना रिवॉर्ड बढ़ जाएगा। बाजार मेहनत उतनी ही करेगा, बाजार 100 पॉइंट ही चलेगा, पर 24500 वाला ट्रेडर 53 रुपए कमाएगा और 24400 वाला ट्रेडर 66 रुपए कमाएगा। अब आप देख लो आपको 53 रुपए में संतोष है या आपको 66 रुपए में संतोष है, पहली चीज। दूसरी चीज आप कह सकते हो आ जाओ LTP पे, जहां पर आपको 24500 मिलेगी ना 128 रुपए की, वहीं 24400 आपको मिलेगी 190 रुपए की, तो 130 वाला माल 190 भी हो जाएगा, आपके 60 रुपए जेब से फालतू जाएंगे। 60 रुपए, 60 को आप गुना करोगे 2500 तो 1500 रुपए आपकी जेब से फालतू जाएंगे। ये आपको एक चीज समझनी है कि अगर आप डेल्टा के इम्पैक्ट को बढ़ाना चाहते हो तो आपको पैसे ज्यादा खर्चने पड़ेंगे, क्योंकि आप इन द मनी चले जाओगे, इन द मनी में डेल्टा बढ़ जाता है और वहीं पर ऑप्शन की कीमत भी बढ़ जाती है। यहाँ पर ना कोई स्पून फीडिंग नहीं है, मैं आपको नहीं कहता यार 24400 खरीद, 24500, 24300 खरीदो, भाई साहब आपको जो अच्छा लगता है वो खरीदो, ये रिजल्ट आपके सामने, आपको डेल्टाज है। ऑप्शन बायर फंसता कहाँ पर है, वो भाई साहब 24500 24400 तो छोड़ो, वो पता है क्या करता है ऑप्शन बायर जाता है आउट ऑफ द मनी। ऑप्शन बायर खरीदता है 24600 24700 24800, क्यों खरीदता है, क्योंकि सस्ती मिल रही होती है, सस्ती मिल तो रही होती है मेरे भाई, ये LTPs देख रहे हो 60 रुपए 43 पैसे 22 रुपए 30 पैसे 400 500 700 1000 रुपए की 1500 रुपए कॉल तो मिल जाएगी, पर मेरे भाई जरा एक बार डेल्टा भी देख लो कितना डेल्टा है, सिर्फ 32 का मतलब क्या है, बाजार 100 पॉइंट चलेगा आपको 30 पॉइंट मिलेंगे,
कहीं गलती से अगर आप 100-200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी चले गए ना, तो डेल्टा का इतना बुरा हाल हो जाएगा कि बाजार भाग रहा होगा पर आपकी पोजीशन आपको दुख दे रही होगी। ये बात याद रखना, पहली चीज। पहला ऑप्शन बायर वो, अभी तक हम बार बार आपको चीजें मैं रिएट्रेट करता हुआ चलूंगा, तो आपको क्या क्या चीजें अपने फेवर में करनी है वो सुनना शुरू करो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऑप्शन बाइंग पर इस वीडियो को देखने के बाद ऑप्शन कॉल ऑप्शन बाइंग पर आपका नजरिया बदल जाएगा, गारंटी है मेरी। कमेंट में करके बता देना कि वीडियो को पूरा तसल्ली से समझने के बाद आप ऑप्शन कॉल ऑप्शन बाइंग को एक नए तरीके से ही देखना आपने शुरू कर दिया या नहीं कर दिया। ऐसी मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि मैं आपको इतनी वैल्यू इस वीडियो में दे दूं। पहला, मेरी समझ क्या थी, आपको डेल्टा बढ़ाने की तरफ विश्वास थोड़ा सा विचार करना चाहिए। दूसरा, डेल्टा बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको कम से कम 50-100 पॉइंट इन द मनी जाकर के ट्रेड करना चाहिए, जहां पर आपका डेल्टा 65 और 70 पॉइंट के आसपास हो। उससे क्या होगा, बाजार जैसे ही आपका 100 पॉइंट की तरफ 50-100 पॉइंट की तरफ चलेगा, वैसे ही आपका डेल्टा बढ़ जाएगा। जैसे ही आपका डेल्टा बढ़ जाएगा, वैसे आपका रिवॉर्ड बढ़ जाएगा, पहली चीज। दूसरा, थीटा। थीटा का मतलब होता है कि बाजार में अगर कुछ भी नहीं होगा ना, और एक ऑप्शन अपना एक दिन खत्म करके अगले दिन पर जाएगी, तो आपके प्रीमियम में से इतना पैसा स्वाहा हो जाएगा। थीटा मतलब एक्सट्रिंसिक वैल्यू का लॉस, मतलब टाइम डिके, मतलब हवा का निकल जाना। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो मेरी समझ कहती है थीटा आप पे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा, क्योंकि आपने इंट्राडे में ट्रेड करके पोजीशन को इधर उधर 3.5 क्लोज कर देना है, आपने पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड तो करना नहीं है। जब कैरी फॉरवर्ड ही नहीं करना तो फिर थीटा आपके किस काम का। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। थीटा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है जब आप अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करते हो, जब आप पोजीशन को ओवरनाइट टेक ओवर करते हो, तो वहां पर आपको थीटा को संभाल करके रखना पड़ता है। अभी इंट्राडे पर बात हो रही है, तो इंट्राडे पर थीटा कोई बहुत ज्यादा आप पे प्रभाव डालने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा डालने वाला नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी समय के साथ में एक दिन के हिसाब से 24 घंटे के बाद में जब बाजार खुलता है तो उस समय इसका प्रभाव नजर आता है। इंट्राडे में इसका कोई बहुत ज्यादा, अगर आप यहां पर इंट्राडे में थीटा को थोड़ी देर के लिए भूल भी जाओगे तो कोई बहुत ज्यादा आपको दुखी नहीं करेगा। डेल्टा को पकड़ लिया, एक चीज। उसके बाद आ गए हम वेगा। वेगा बोले तो वोलेटिलिटी। अब वोलेटिलिटी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यार। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप नेकेड ऑप्शन बायर हो ना, और आपने अपनी ऑप्शन, आपने अपने ट्रेड की दिशा को भी पकड़ लिया है कि बाजार तेज है, आपको पता चल गया बाजार तेज है, ये सिर्फ आपको ना 25% काम होगा इससे आपका। इमीडिएट बेसिस पर आपको जाकर के ये भी चेक करना है कि बाजार में वोलेटिलिटी का क्या हाल है, क्या वोलेटिलिटी बढ़ रही है, क्या वोलेटिलिटी गिर रही है। निफ्टी में ट्रेड करते हो, वोलेटिलिटी चेक करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। आप एक काम कर सकते हो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम, जो भी आपका टाइम फ्रेम है यार, आप 5 मिनट के ट्रेडर हो, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी आपका टाइम फ्रेम है, इंडिया विक्स का चार्ट लगाओ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ही आपके चार्ट आ जाएगा। चार्ट को आप जिस मर्जी तरीके से, जो आपको इंडिकेटर अच्छा लगता हो, उस इंडिकेटर के बेसिस के ऊपर में आप उसको देखो, आपको यहीं से पता चल जाएगा। फ्रैक्टल एलिगेटर से भी अगर आप चाहो तो देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि वोलेटिलिटी बढ़ रही है या वोलेटिलिटी गिर रही है। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो, और ऑप्शन को बाय करके ट्रेड करते हो, इंट्राडे में ट्रेड करते हो, तो आपको विक्स के चार्ट को देखना पड़ेगा। ऑप्शन बाय आपके फेवर में तभी काम करेगा, आपकी कॉल ऑप्शन बाइंग या आपकी पुट ऑप्शन बाइंग आपको तब फेवर में काम करेगी जब आपकी वोलेटिलिटी इंडिया विक्स बढ़ रहा होगा। नोटिस में रखना है इस चीज को। अगर इंडिया विक्स गिर रहा है तो भाई साहब कुछ कर लो, उड़ के दिखा दो, प्रॉफिट बहुत परेशान करेगा, या तो प्रॉफिट बहुत थोड़ा सा आएगा या शायद ना भी आए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये चीज को भी हम एक मिनट के लिए समझ पाए, वापस आ जाओ। फर्ज करो कि आपने देख लिया यार कि इंडिया विक्स बढ़ रहा है, आपने अभी तक दो चीजों को काबू करा, आपने मार्केट की डायरेक्शन का भी अनुमान ठीक लगाया, आपने इंडिया विक्स से भी अनुमान ठीक लगाया, पता चल गया आपको इंडिया विक्स बढ़ रहा है, ठीक है, गुड, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है ऑप्शन बाय करनी है। आप चार्ट पर गए, निफ्टी के चार्ट को देखा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपने देखा, आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम या 10 से 15 जो भी आपका टाइम फ्रेम है, आपको वहां से क्लियर इंडिकेशन आया, यस गुड, मार्केट में एक डायरेक्शन क्लियर है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कॉल बाइंग की जा सकती है। ये दो चीजें आपको एक्चुअली में इनिशियली अपने फेवर में करनी है, आपको इन दो चीजों के ऊपर पहले पकड़ प्राप्त करनी है, पहला डायरेक्शन और डायरेक्शन के साथ साथ वोलेटिलिटी। मान लेते हैं कि वोलेटिलिटी भी आपने, विक्स भी आपने पकड़ लिया और साथ साथ आपने डायरेक्शन को भी पकड़ लिया। खूबसूरती देखिए, 24,500 के ऊपर आईबीस के लेवल कितने हैं, इंप्लाइड वोलेटिलिटी आपने देखा कि वहां पर इंप्लाइड वोलेटिलिटी 10%। वेगा क्या कहता है कि इंप्लाइड वोलेटिलिटी 10% से बढ़कर के 11% अगर होती है, वोलेटिलिटी 1% बढ़ती है, अगर वोलेटिलिटी 1% बढ़ती है तो वेगा का प्रभाव कितना आएगा, आपके ऑप्शन के प्रीमियम में 1158 रुपए ऐड हो जाएंगे, आपके ऑप्शंस का प्रीमियम इतना बढ़ जाएगा 1% वोलेटिलिटी इंक्रीज होने से 1158 रुपए का आपको सामने से लाभ आता है।
सीधा सीधा मैथमेटिक्स है, ये सब डायनामिक डिटेल्स होती हैं, बाजार में चलते बाजार के हिसाब से ऊपर नीचे होती हैं। पर आपको बात समझने की ये है कि अगर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो आपके ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ेंगे। एक बात जिस पर मैंने कई ऑब्जर्व करा है, ज्यादातर इस पर नहीं बात की जाती, लोग नहीं बताते, आप ये बात थोड़ा विचार करके देखिएगा, एक्चुअली में क्या होता है, जो आपका ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता है, ठंडे दिमाग से समझिए मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपका ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता है, दो चीजों से मिलकर के बनाए ऑप्शन का प्रीमियम, इंट्रेंसिक वैल्यू एक्सट्रेंसिक वैल्यू। इंट्रेंसिक वैल्यू डेफिनेटली एक ऑप्शन के प्रीमियम के अंदर में इंट्रेंसिक वैल्यू भी फिक्स्ड है और एक्सट्रेंसिक वैल्यू एज ऑफ नाउ फिक्स्ड है। बाजार जब तेजी से बढ़ता है, बाजार एक दिशा में तेजी से चलता है, तो जो उसके अंदर में प्रीमियम की एप्रिसिएशन होती है, वो प्रीमियम की एप्रिसिएशन एक्चुअली में इंट्रेंसिक वैल्यू तो फ्यूचर के हिसाब से बढ़ेगी। जो एक्चुअली में ज्यादा प्रभाव आता है ना, जहां पर आपको जो बेनिफिट मिलता है, वो बेनिफिट आपको एक्चुअली में एक्सट्रिंसिक वैल्यू का मिलता है, जो बढ़ जाती है। मे बी कॉम्प्लेक्स, मे बी न्यू, मे बी ओल्ड, मे बी आप इस चीज को पहले से जानते हैं, पर समझ मेरी ये कहती है कि जब ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ते हैं, तो वो तेजी से बढ़ने वाला जो कंपोनेंट होता है ना, वो कंपोनेंट जो होता है वो एक्सट्रिंसिक वैल्यू होती है, वो टाइम वैल्यू होती है जो बहुत तेजी से बढ़ती है। अब टाइम वैल्यू तेजी से कैसे बढ़ती है? टाइम वैल्यू तेजी से बढ़ती है जब आपकी वॉलेटिलिटी बढ़ती है। वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो आपको इमीडिएट बेसिस पे आपके ऑप्शंस के प्रीमियम आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। अभी तक हमने क्या सीखा? ऑप्शन बाय करनी है, सबसे पहले डायरेक्शन, उसके बाद इंडिया विक्स, ये दो चीजें फेवर में। फिर उसके बाद आपने क्या देखना है? फिर उसके बाद आपने देखना है कि आपके डेल्टास जो हैं, अगर आप रिवॉर्ड ज्यादा लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा इन द मनी जाना पड़ेगा। और अभी तक हम यहाँ पहुंच पाए। अब आपका सवाल हो सकता है, और हमको अपने फेवर में क्या क्या चीजें करनी है? पहले हम एक मिनट के लिए ऑप्शन चेन पर बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक दूसरी जगह लेकर के जाऊंगा, वहां पर आपकी गेम को और एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की मैं कोशिश करूंगा। यहां तक हम समझ गए, हमने बड़ी खूबसूरती से देखा कि 24,500 पर 18 जुलाई पर अभी हम हैं। आमतौर पर एक और आपको ट्रैप बता रहा हूं, एक ट्रैप और, वो ट्रैप में मेरा नेकेड ऑप्शन बायर भाई है ना, उस ट्रैप में फंसा हुआ है, उस ट्रैप से भी बचने का एक तरीका बता रहा हूं भाई साहब, वो आप देख। 18 जुलाई पे आप 24,500 ट्रेड करते हो तो आपको डेल्टा का इंपैक्ट आता है 53.5 पैसे, आपको वॉलेटिलिटी का इंपैक्ट आता है 1,150 रुपए। मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ेगी ना, तो आपको पर वॉलेटिलिटी, पर परसेंटेज वॉलेटिलिटी इंक्रीज पर 1,150 रुपए मिलेंगे। भाई साहब आपको ये जादू दिखाता हूँ, जादू देख लो। आप 25 जुलाई पर आ जाओ भाई साहब, सिर्फ मंथली एक्सपायरी पर आ जाओ, आप अपनी एक्सपायरी, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी को ना फॉरवर्ड कर दो, मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करना शुरू कर दो। बेशक आप इंट्राडे ट्रेड करो, कोई परेशानी नहीं है, वीकली छोड़ करके मंथली में आ जाओ। 24,500 पर देखना भाई साहब क्या हो रहा है, डेल्टास उसके आसपास में है, वॉलेटिलिटी देख लो, 1,800 रुपए वॉलेटिलिटी हो गई। वॉलेटिलिटी जब बढ़ती है, वॉलेटिलिटी अगर बाजार के अंदर में वॉलेटिलिटी राइज होगी, तो आपको मंथली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट में जाओगे तो वहां पर उसका प्रभाव 1,781 रुपए है। यहां पर हम एक और चीज सीख पाए, आपको नेकेड ऑप्शन बाय करनी है कोई परेशानी नहीं है, आपको इंट्राडे करना है कोई परेशानी नहीं है, आप अपने फेवर में चीजों को कैसे कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको छोटे छोटे कर दो तुक्के बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहला, वीकली छोड़ करके मंथली चले जाओ। दूसरा, थोड़ा सा इन द मनी चले जाओ, 100 पॉइंट इन द मनी चले जाओ। 24,500 पर बाजार है, कॉल को ट्रेड करना है 24,400 चले जाओ, वहां पर आपका डेल्टा बढ़ जाएगा, 60, 65, 70 डेल्टा मिल जाएगा। और दूसरा, आपको वेगा का जो इम्पैक्ट है ना, वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट है, वॉलेटिलिटी का इंपैक्ट अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख लो, आपको एक चीज दिखा देता हूँ, अगर आप 24,400 ट्रेड करते हो 25 जुलाई में, आपको वॉलेटिलिटी के 1,750 रुपए मिलते हैं, और वहीं पर ही अगर आप उसको 18 जुलाई ट्रेड करते हो 24,400 को, तो आपको 1,062 रुपए मिलते हैं। 700 रुपए का आपको सीधा सीधा फर्क दिखता है अगर आप सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी को वीकली ट्रेड ना करके मंथली में ट्रेड कर दो। अभी तक हम यहाँ पर ग्रीक्स के बेसिस पर ये सीख पाए, करना क्या चाहिए नेकेड ऑप्शन बायर को। नेकेड ऑप्शन बायर को पहली चीज तो ये है कि एट द मनी, आउट ऑफ द मनी तो छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो आउट ऑफ द मनी, एट द मनी से थोड़ा सा बढ़ करके इन द मनी आना चाहिए, और वीकली को छोड़ करके मंथली आना चाहिए। अभी तक मैं आपको ये सिखा पाया कि अगर आपको नेकेड ऑप्शन बाइंग करनी है तो, पर यहां तक पहुंचने से पहले आपको अपने दो काम करने हैं। पहले आपको मार्केट की दिशा का पता होना चाहिए, बाजार ऊपर तो मतलब ऊपर, और आपको इंडिया विक्स का पता होना चाहिए कि इंडिया विक्स क्या क्या है। आई होप आप लोगों को यहां तक बात समझ आई या नहीं आई। 10 सेकंड का ब्रेक, आप लोग अपने कमेंट्स लिखो, तब तक मैं जा रहा हूं आपको कुछ और चीज, एडवांस लेवल चीज और बताने। लिखो लिखो फटाफट लिखो, कमेंट्स लिखो, मैं देखता हूं कि मेरे पास और आपको बताने के लिए बाइंग में
क्या है? ठीक है भाई लोग, आ जाओ, बीच बीच में मौका मिलता रहे, कमेंट्स लिखते रहना। आपने अपना मन बना लिया, आपको चार्ट बोलता है ऊपर, आपका बिल्कुल क्लिक कर गई बात, आपने कहा हाँ यार बाजार चार्ट ऊपर बोल रहा है, इसका मतलब बाजार ऊपर है। आपने विक्स को भी चेक कर लिया, विक्स भी ऊपर है, दोनों चीजें आपने अपने फेवर में कर ली। अब क्या कुछ ऐसा है कि आप अपने इस पर्टिकुलर ट्रेड की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को और बढ़ा सकते हैं? एक मिनट, बीच में आपको दूसरी तरफ लेकर के जा रहा हूं मैं। यहां पर हम बात कर चुके हैं कि आपको इन द मनी खरीदनी है, थोड़ी सी इन द मनी खरीदनी है, और आपने कोशिश करनी है कि आपने मंथली एक्सपायरीज में ट्रेड करना है। यहां पर हम अपनी बात कर चुके हैं, यहां पर और कुछ नहीं है। ये हो गया कि आप स्ट्राइक कौन सा खरीदोगे और एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी करोगे, इसके ऊपर मैंने आपको जो अपने थॉट्स शेयर करने थे मैंने कर दिए। और थॉट्स मेरे सीधे सीधे से हैं कि वीकली में ट्रेड मत करो, मंथली ट्रेड कर लो और थोड़ा सा इन द मनी कर लो। हो गया सर, थोड़ा सा इन द मनी करोगे ना, चीजें आपके फेवर में काम करनी शुरू कर देंगी, आपके डेल्टास भी बढ़ जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी वॉलेटिलिटी भी आपके फेवर में काम करना शुरू कर देती है। सीधा सीधा यार वॉलेटिलिटी का इंपैक्ट बढ़ता है, और हम यहाँ पर वॉलेटिलिटी के, हम प्रो वॉलेटिलिटी हैं। हम देख रहे हैं कि विक्स बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि इंडिया विक्स राइज कर रहा है, इसीलिए हम ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अगर विक्स राइज ही नहीं कर रहा तो हम डेफिनेटली ऑप्शन बाय करेंगे ही। अब हम चलते हैं और अपनी गेम को आगे करने के लिए। आओ, आपने देख लिया चार्ट आपके फेवर में, आपने देख लिया इंडिया विक्स आपके फेवर में, उसके बाद आप एक काम और कर सकते हैं। ये ऑप्शन चेन है, आई फॉर ऑप्शन की ऑप्शन चेन है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा चांसेस हैं यार कि शायद आपको अगर इस लेवल तक की गेम को लेकर के जाना है ना, तो शायद आपको इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा। लेने से पहले आप 5,000 बार सोच लेना आपके काम की चीज है या नहीं है। मैं आपको छोटा सा तुक्का बता देता हूँ, वो तुक्का कैसे आपके फेवर में काम कर सकता है। मंथली खर्चा होगा इसका 600-700 रुपए, पर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी उतनी इन्फॉर्मेशन से आपका काम हो जाता है, तो देर इज नो नीड। पर मेरी ड्यूटी है कि मुझे जो जो पता है मैं वीडियो में आपको वो सब कुछ बताऊं, तो मैं आपको यहां तक ले आया। बाय चांस है ये निफ्टी है, 18 जुलाई है, बाजार इस समय बंद है, पर ऑप्शन चेन सामने दिख रही है। जब आप इंट्राडे में काम करेंगे तो आपने पोजिशनल की जगह पर इंट्राडे को क्लिक कर लेना है। मैं इंट्राडे को क्लिक करता हूँ तो मुझको ये एक्सेस नहीं करने देता, क्योंकि मेरा इसका फिलहाल प्लान इसका जो एक्सपायर है वो मैं इसको भी थोड़ी देर में रिन्यू करा दूंगा। पर आप सिर्फ एक मिनट के लिए पोजिशनल से चीज को समझ लो। अगर आपको पोजिशनल ट्रेड करना है तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आपको पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे, वो आपको ये डेटा फ्री में देता रहेगा। अगर आपको इंट्राडे में काम करना है तो इंट्राडे के लिए आपको इसकी पेड सर्विस लेनी पड़ेगी। 600-700 रुपए खर्चा है इसका महीने का, वो आपका अपना अंडरस्टैंडिंग है कि आपको चाहिए नहीं चाहिए वो देखो। मेरा इन लोगों के साथ कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है, मैं इनको बिल्कुल प्रमोट नहीं करता, कुछ नहीं बेचना चाहता। डेटा मुझे इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है, मैं इसको यूज करता हूँ। आपने अपना मन बना लिया यार के बाजार ऊपर जाएगा और विक्स भी आपके फेवर में है, आपको इमीजिएटली ना ऑप्शन चेन में आना है और आपको बिल्डअप चेक करना है। अब बिल्डअप पर आपको क्या करना है? बिल्डअप पर आपने ये देखना है बाजार तेज है तो क्या आउट ऑफ द मनी कॉल्स में लॉन्ग बिल्डअप बन रहा है? ये पहला काम आप करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि आउट ऑफ द मनी कॉल्स में लॉन्ग बिल्डअप बाय चांस, ये कल के दिन में बाजार सारा दिन तेज था तो हमने इसको सारा दिन में अच्छे से ऑब्जर्व किया। आउट ऑफ द मनी कॉल्स में आपने देखा, सबसे पहले आप एटीएम पर देखेंगे, देखिए 24500 पर आप गए, 24500 पर आप ये नीला हाईलाइटर देख रहे हैं। इस नीले हाईलाइटर का मतलब है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहाँ जनरेट हो रहा है, और उसकी इंटरप्रिटेशन निकल करके आ रही है कि लॉन्ग बिल्डअप है। कॉल के लॉन्ग बिल्डअप का सीधा सीधा मतलब है कि बाजार में तेजी है, यहाँ पर कॉल्स को खरीद करके काम कर रहा है ट्रेडर। इसके पीछे पूरा का पूरा एक वीडियो बना करके डाला हुआ है, 1 घंटे का टाइम मिले तो वो देख लेना। अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम इस टूल को यूज करेंगे। कॉल की तरफ से मैं बिल्डअप चेक करूंगा, मेरे कॉल के बिल्डअप सारे के सारे लॉन्ग बिल्डअप्स हैं। इन द मनी में मैं देखता हूं तो वहां पर शॉर्ट्स लिक्विडेट हो रहे हैं, मतलब जो शॉर्ट बना करके बैठे थे वो भाग रहे हैं, इसका मतलब वो भी घबरा रहे हैं, उनको लग रहा है कि बाजार ऊपर जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आउट ऑफ द मनी के कॉल्स हैं, वहां पर दुनिया जहां का लॉन्ग बिल्डअप है, तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि बाजार में तेजी है। अभी तक मैं अपने बायस को कंफर्म कर रहा हूं, आप समझ रहे हैं? सबसे पहले मैंने अपने बायस को कैसे कंफर्म करा, मैंने चार्ट से किया, फिर मैंने इंडिया विक से किया, फिर मैं तीसरी जगह पर आ गया और मैंने देखा बिल्डअप। अगर बाजार ने ऊपर जाना है ना तो मेरा कॉल का लॉन्ग बिल्डअप दिखेगा आउट ऑफ द मनी में और इन द मनी में। या तो इन द मनी में मेरे को यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप दिख जाता है या शॉर्ट लिक्विडेट, एक ही बात होती है। मतलब है जो शॉर्ट्स हैं वो घबरा रहे हैं, अपनी पोजीशन को कवर कर रहे हैं और नए लॉन्ग्स बन रहे हैं। तो मुझे कॉल की तरफ से कंफर्मेशन मिल गई भैया कि कॉल वाले भी माल को खरीदने को तैयार बैठे हैं, मतलब बाजार ऊपर जाएगा। मैं लास्ट कंफर्मेशन लूंगा पुट की तरफ से। मैंने क्या देखा कि एट यहाँ पर पुट का सबसे ज्यादा 24500 पर मैंने देखा, 24500 पर शॉर्ट बिल्डअप है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम 24400 पर जनरेट हो रहा है, वहां पर शॉर्ट बिल्डअप है। और मैंने क्या देखा कि इन द मनी जितनी भी पुटें थी
जितनी भी इन द मनी पुटें थी वो सारी की सारी शॉर्ट बिल्डअप बना करके बैठ गई है। दुनिया जहान का शॉर्ट बिल्डअप नजर आ रहा है मुझे पुटों की तरफ से। इसका सीधा सीधा क्या मतलब होता है मेरे भाई? जब पुटें शॉर्ट होती हैं तो इसका मतलब होता है बाजार में तेजी, और जब कॉल में लॉन्ग होता है तो उसका मतलब होता है बाजार में तेजी। मेरे को तेजी कॉल से भी कन्फर्म हो गई, मेरे को तेजी पुट से भी कन्फर्म हो गई। ये सारे मेरे बायस हैं जो मुझे कन्फर्मेशन दे रहे हैं। यहां तक मैं आ गया। एक लास्ट चीज मुझको और देखनी है अपने बायस को कन्फर्म करने के लिए, और वो ये कि जब मैं ट्रेड लेने लगूं, कॉल का मैं ट्रेड लेने लगूं, तो मुझे ये समझ लेना है कि कॉल के जो इंट्रिंसिक वैल्यूज हैं ग्रीक्स हैं वो मुझे नहीं दिखाएगा क्योंकि वो पेड सर्विस है इसकी। जब वो पेड आप देखते हैं या आप आईवीज यहां से भी देख सकते हैं, आईवीज जब आप देखेंगे तो आपको एक चीज देखनी है कि अगर आप कॉल को बाय कर रहे हैं ना, अगर आपका बाजार में बायस लॉन्ग है, जैसे हम आज कॉल ऑप्शन बाइंग पर ट्रेड बना रहे हैं, जब आप कॉल पर ट्रेड बना रहे हैं, आप कॉल को लॉन्ग कर रहे हैं ना, तो आप ये देखेंगे कि जो कॉल के इंट्रिंसिक वैल्यूज होंगी ना, माफ कीजिएगा, इंप्लाइड वोलेटिलिटीज होंगी, वो पुट से ज्यादा होंगी। से सीधा सीधा मतलब है कि कॉल की इंप्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ रही होगी। आप बात समझ रहे हैं मेरी? कहां से हम इसको लेकर के आए सारी चीज को? पहले चार्ट, फिर इंडिया विक्स, फिर उसके बाद बिल्डअप दोनों तरफ का, कॉल का बिल्डअप, पुट का बिल्डअप, तीसरी कंफर्मेशन, चौथी कंफर्मेशन इंप्लाइड वोलेटिलिटीज। अगर कॉल का लॉन्ग बिल्डअप है तो इस बात के, और अगर आपको कॉल खरीदनी है तो कॉल की इंप्लाइड वोलेटिलिटी पुट की इंप्लाइड वोलेटिलिटी से ज्यादा होनी चाहिए, से मतलब है बढ़ रही होनी चाहिए। अगर आपको ये सारे फैक्टर्स दिखते हैं तो आप कॉल ऑप्शन बाइंग की तरफ बढ़ सकते हैं। वापस आते हैं ऑप्शन चेन पे और आते हैं इस डेटा। एक मिनट रिएट्रेट करेंगे कि ठीक है कॉल ऑप्शन बाय करनी है, समझ आ गया, कौन सी करनी है वो हमने बात कर ली। यार आप कहते हो नहीं, आपको 18 जुलाई में ही काम करना है, मंथली एक्सपायरी काम नहीं करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, करो ना, खूब करो, सिर्फ एक चीज करो, थोड़ा सा इन द मनी चले जाओ, 24,500 की जगह 24,400 चले जाओ, थोड़े से डेल्टास बढ़ जाएंगे। जैसे देखो डेल्टास बढ़ेंगे ना, वहां पर वेगा पे कॉम्प्रोमाइज आ जाएगा। आपको ये सब बात नहीं समझ आती, कोई बात आपको समझ नहीं आती, आप सीधे सीधे तरीके से काम शुरू करना चाहते हो, आप एटीएम खरीद लो, 24,500 खरीद लो, 24,500 के ऊपर वॉलेटिलिटी के प्रभाव सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, और आपका जैसे ही ट्रेड आपकी दिशा में चलना शुरू होता है वैसे ही आपके डेल्टास बढ़ जाते हैं। मेरे से पूछो मैं क्या करूंगा, मैं एटीएम से थोड़ा सा अंदर चला जाऊंगा, बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसा अच्छा लगे मेरे भाई वैसा कर लो। मैंने आपको अपनी तरफ से पूरी पिक्चर बताने की कोशिश की। अगर मुझको कॉल ऑप्शन बाइंग करनी हो, अगर करनी हो, तो मैं ये सब फैक्टर्स अपनी कंसिडरेशन में लूंगा, मुझे कन्फर्म मिलेगा, मैं कॉल ऑप्शन बाय के बारे में विचार कर सकता हूँ। आगे चलते हैं और मजे की चीज देखते हैं, अब यहीं पर ही रुकते हैं, यहाँ से आपको और चीज सिखाने की कोशिश करता हूँ। सर आपने ले ली कॉल ऑप्शन बाइंग, कर ली आपने कॉल ऑप्शन बाइंग, आइए और एक चीज सिखाते हैं आपको, ये देखिए और आनंद आएगा जब पूरा का पूरा मैं काम खत्म कर ही रहा हूं तो इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूं। ऑप्शंस में हैं हम निफ्टी की 24,500 पर हैं, 24,500 की हम कॉल ले रहे हैं 18 तारीख की। ये देखिए मैंने इसका चार्ट लगाया 128, ये सामने है, ये समय इसका ये चल रहा है 5 मिनट 15 मिनट जो भी टाइम फ्रेम है। अब आपने ये कॉल खरीद ली, कॉल खरीद ली आपने, अब क्या करें? हालांकि ठीक है मैं आपको इसमें स्टॉप लॉस के कुछ कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश कर रहा था कि आप इसमें अपने स्टॉप लॉस को कैसे काम कर सकते हैं, इस पे आप वो समझिए। आपने कॉल को खरीदा, ठीक है, 5 मिनट के ऊपर इस समय, तो फिलहाल कल जो लास्ट में गिरावट आई है मैं उस पे आपको कैसे भी समझा देता हूँ, आप एक मिनट के लिए समझ लीजिए। आपने कॉल को खरीदा, आप साथ में कहीं से आप एक मिनट के लिए समझिए, जैसे यहां से आप समझ लीजिए, जैसे कल बाजार में तेजी थी, आपने इस जगह पर फर्ज कर लीजिए कॉल को खरीदा, बहुत खूबसूरत है, इमीडिएटली आपको बात समझ आ जाएगी। आपने इस समय 11 बजे के आसपास में कॉल को खरीदा, ये फ्रैक्टल आपका ब्रेक हुआ। आप और इजी कर देता हूं आपके लिए, चलिए एक मिनट और लगा देता हूं, एक दूसरा इंडिकेटर है। ये सब चीजों पर ना मैं आपको बताऊं, वीडियोस पहले बने हुए हैं पर आज इसको पूरा का पूरा कंप्लीट किया जा रहा है, सब चीजों के वीडियोस पहले बने हुए हैं, जब आपको समय मिले तो आप इनको देख सकते हैं। फ्रैक्टल क्या उस बैंड से आप इसको लगाइए, ये क्या काम करते हैं आप इनको देखिए, बड़ी मजेदार चीज है। आप
आपने कॉल को बाय करना है जब आपको रेट मिल रहा है, आपने ऊपर वाले बैंड के ऊपर बाय किया, मतलब जब ये ऊपर, ये फ्रैक्टल ही है पर ये बॉक्स बना दिया इसने, आप यहाँ पर बाय करते हैं, आपका स्टॉप लॉस होगा नीचे और आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चले। आपने यहाँ पर बाय किया, ऊपर भागा, ये नीचे स्टॉप लॉस, फिर ये स्टॉप लॉस, फिर ये, फिर यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप यहाँ पर बाहर निकल गए। आपको दोबारा मौका मिला, आपने यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर आपने बाय किया, ये स्टॉप लॉस लगाया, ये स्टॉप लॉस आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप ट्रेड से बाहर और उसके बाद बाजार नीचे। ये मैंने आपको तरीका, एक छोटा सा तरीका बताया अपने ऑप्शंस के। आपने ऑप्शन को बाय कर लिया, ऑप्शन को बाय करने के बाद मेरे बहुत सारे भाइयों को ये नहीं पता कि उसमें स्टॉप लॉस, ऑप्शन पे स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। इस पर भी एक वीडियो ऑलरेडी पहले बनाया हुआ है, पर कोई बात नहीं, नहीं देखा तो कोई चिंता नहीं है। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब आप अपने ऑप्शन के ट्रेड से एग्जिट कैसे कैसे करेंगे। एग्जिट करने का सबसे पहला तरीका, अभी तक हमने आपको ये बता दिया कि आप एंट्री कैसे कैसे लेंगे, वो सारे फैक्टर्स आपके फेवर में काम कर गए, आप एंट्री ले लेते हो। एंट्री लेकर के भाई ट्रेड से एग्जिट भी तो करना है, प्रॉफिट भी तो बुक करना है, या राम भरोसे छोड़ देना है ट्रेड को। ऑब्वियसली राम भरोसे तो नहीं छोड़ना, हमने ट्रेड से एग्जिट भी करना है। कैसे कैसे एग्जिट होगा, फ्रैक्टल केओस बैंड से आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। अगर आपको फ्रैक्टल केओस बैंड नहीं समझ आते, बात एक ही है, आप फ्रैक्टल्स लगा लो, हरे फ्रैक्टल पर आप ट्रेड करोगे, लाल फ्रैक्टल पर आप अपने स्टॉप लॉस को, हरे फ्रैक्टल पर आप अपने ट्रेड लोगे, लाल पर स्टॉप लॉस, पहला स्टॉप लॉस आपका ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये, आपका स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ, आपने यहाँ पर बाय करा, 81 रुपये पर आपने खरीदा और 154 रुपये पर आपने अपने ट्रेड को क्लोज कर दिया। स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है, फ्रैक्टल के बेसिस के ऊपर डिटेल वीडियो डाला हुआ है, उसको देख सकते हैं। एग्जिट करने का पहला तरीका, स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। एग्जिट करने का दूसरा तरीका सुनिए, आप अपनी ऑप्शंस को जोड़े में खरीद लेते हैं, दो में खरीद लेते हैं, डबल क्वांटिटी, ट्रेड आपकी फेवर में चलता है जब आपकी ऑप्शन का रेट डबल हो जाता है, उसमें से आप एक क्वांटिटी बेच देते हैं, आपका प्रिंसिपल वापस आ जाता है। 100 रुपए की कोई ऑप्शन थी और आपने 2 लॉट खरीद लिए, फर्ज कर लीजिए 100 रुपए की ऑप्शन थी, 25 का लॉट है आपके, 2500 रुपए के हिसाब से 5000 रुपए लग गया, बिल्कुल ठीक मैथमेटिक्स है। आपने 2 लॉट खरीद लिए, 1 लॉट 2500 का, 2 लॉट 5000 रुपए के, आपने 5000 रुपए लगाए और आपने 2 लॉट खरीदे, थोड़ी देर में बाजार आपका चल करके, आपकी ऑप्शन चल करके 100 की जगह पर 200 हो गई, 200 हो जाएगी तो आपको आपका वहां पर प्रॉफिट कितना नजर आएगा मेरे भाई साहब, 200 हो जाएगी तो आपको आपका प्रॉफिट वहां पर 5000 रुपए का नजर आएगा, ठीक है, डबल हो गया आपका काम सर, 100 वाली चीज 200 की हो गई। अब 5000 रुपए का आपका काम हो गया तो आप उसमें से काम कर सकते हैं, आप उसमें से एक सिंगल लॉट को बाहर निकाल लीजिए। मैं समझता हूँ इस स्ट्रेटजी के बारे में भी बहुत बार पहले बात हो चुकी है, डबल में काम कर लो, जब बाजार आपका प्रॉफिट हो जाए, जब आपकी पोजीशन डबल हो जाए, मतलब आपका प्रॉफिट दोगुना हो जाए, 100 का माल 200 हो जाए, तो बड़ा सीधा सा मैथमेटिक्स है, उसमें से एक को बेच दो और एक को राइड करते रहो जब तक बाजार चलता है, नहीं चलता क्या है क्या नहीं, आपकी कैपिटल नहीं टूटेगी, आपने अपनी कैपिटल बाहर निकाल रही, अब जो बाजार में लगा हुआ है वो बाजार का पैसा है और वो बाजार के पैसे से जो मिल गया वो आपका प्रॉफिट है। दूसरा तरीका एग्जिट करने का, एक और तरीका है एग्जिट करने का, वो भी सुन लीजिए, वो थोड़ा सा एडवांस तरीका है, बड़ा मजेदार, पर सुनने में कोई हर्ज नहीं है और बहुत ज्यादा चांसेस है मेरे भाई, मैं आपको बताऊं, नेकेड ऑप्शन बायर होना, नेकेड ऑप्शन बायर अगर जो मेरा भाई है ना, अगर वो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना, जो मैंने सबसे पहला तरीका बताने की कोशिश की है, इसी में उसका काम हो जाएगा सर, इसी में उसका काम हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उसको डबल खरीद, ये खरीद, वो खरीद, ये सब, पर हर बड़ा तरीका है तो बताना, मेरा फर्ज है, सारे के सारे तो सर इस तरीके से नहीं चलेंगे ना, और हर किसी का टेम्परामेंट भी अलग अलग है, हर किसी ने अपने तरीके से काम करना है, तो भाई साहब ये सब आपके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी सेटअप इसलिए बताए जा रहे हैं, ठीक है जी मेरे भाई। पहला तरीका, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो फ्रैक्टल्स के साथ, ऑप्शन का चार्ट लगाओ और उसके साथ में फ्रैक्टल्स लगा लो, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलो, अगर जहां तक आपका बाजार ऊपर की तरफ जाएगा वहां पर पूरे के पूरे राइड को कैप्चर करो, जहां बाजार नीचे आएगा अपने ऑप्शन से बाहर आ जाओ। दूसरा तरीका, दो में दो खरीद लो, जब डबल हो जाए तो एक बेच दो, अपनी कैपिटल घर आ जाएगी, जो पैसा बच जाएगा वो बाजार का पैसा, उसको बाजार में पड़ा रहने दो, उसको राइड कर लो। तीसरा तरीका आओ वो भी सीखेंगे, कहीं से भी सीख लो कोई बात नहीं है, उसको आप यहां पर देखो। तीसरा तरीका एक ऐसा तरीका जो आपकी इस पोजीशन को नो प्रॉफिट नो लॉस पे ला करके छोड़ देगा और आप इस पोजीशन को आगे कैरी फॉरवर्ड भी कर पाएंगे। हम मान रहे हैं एक मिनट के लिए कि कई ऐसे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने पोजीशन इंट्राडे ना बना करके अपनी पोजीशन को NRML नॉर्मल में बनाया था, मतलब उन्होंने अपनी पोजीशन को फोर्थनाइट कैरी फॉरवर्ड करना था। ऐसे भी कई मेरे भाई होंगे ना जो अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उनके लिए इंट्राडे में काम आपका स्टॉप लॉस ट्रेल से हो जाना है। 24500 आपने खरीदी, आपने 130 रुपए दे दिए, बाजार मान लो एक मिनट के लिए बाजार आपका 500 पॉइंट चल गया, 24500 वाला बाजार कहां पर पहुंचा, 25000 पहुंच गया, मतलब 500 पॉइंट आपका बाजार चल गया, बिल्कुल ठीक है,
जब 500 पॉइंट आपका बाजार चल जाएगा तो अंदाजा है कि जो 130 वाली ऑप्शन है 500 पॉइंट अंदर में देख ले रहे हैं, 500 पॉइंट अंदर में चले जाएंगे, जो 130 वाली ऑप्शन जो आपकी आ जाएगी सामने कितनी आ जाएगी भाई साहब? नहीं, 500 पॉइंट तो मेरी समझ कहती है चलने की, बाजार को चलने की आवश्यकता ही नहीं है, आपका बहुत कम में काम हो जाएगा। एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं, आपको एक चीज दिखा देता हूँ होगा क्या इसमें, 101 मिनट में बता दूंगा आपको मैं, 150 पॉइंट फर्क कर लो, सिर्फ सिर्फ 150 पॉइंट अगर बाजार आपका चल गया ना तो आपके साथ में क्या, आपको क्या खूबसूरत चीज दिखेगी आपको बता दे रहा हूँ। 100, ठीक है भाई साहब, 150 पॉइंट में काम हो जाएगा आपका, 500 पॉइंट जाने की जरूरत ही नहीं है। फर्ज करो आपने 24,500 पर 130 रुपये लगा करके एक ऑप्शन खरीदी और बाजार आपका 150 पॉइंट चल गया, 150 पॉइंट चल गया से मतलब है बाजार कहाँ पर आ गया, 650। तो 650 के ऊपर में आपकी जो ऑप्शन है 130 रुपये की है ना, 150 पॉइंट अंदर में वो करीब करीब 230 रुपये की हो जाएगी, ठीक है। 100 पॉइंट आपकी, 100 पॉइंट ऑप्शन चल जाएगी, बाजार 150 चलेगा, आपकी ऑप्शन 100 चलेगी, 130 वाला माल आपका 230 हो जाएगा, मतलब आपको 100 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। 100 पॉइंट का बेनिफिट हो गया। अब आपने क्या करना है, जब आपको मैं आपको एक छोटा सा तुक्का बता रहा हूँ उसी से बात समझ आ जाएगी, जब आपका प्रॉफिट इतना हो जाए ना कि एटीएम की आपको पुट, एटीएम की पुट के बराबर पहुंच जाए, समझो दोबारा बोल रहा हूं, जब आपका प्रॉफिट एटीएम की पुट के बराबर आ जाए, यही तुक्का है, फिर बोल रहा हूं तीसरी बात, इस पर भी मैंने बहुत देखा लोगों को नहीं पता इसके बारे में भी, और ये चीज भी पहले वीडियोस में बताई हुई है पर आज फिर एक बार बतानी जरूरी है। जब आपका कॉल का प्रॉफिट 50 पॉइंट है, 100 पॉइंट है, 150 पॉइंट है, जितना पॉइंट है वो आप देखते रहो, जब आपका कॉल का प्रॉफिट एटीएम की पुट की कीमत के बराबर आ जाए, जैसे 150 पॉइंट बाजार चलेगा आपको 100 पॉइंट मिलेंगे, और जब 100 पॉइंट मिलेंगे तो आपकी एटीएम की जो पुट होगी वो करीब करीब इस हिसाब से 100 रुपए की मिल रही है, 100 रुपए की होगी। क्या करो, इमीडिएट बेसिस पर उस एटीएम पुट को खरीद लो। क्या समझ आया? जब आपका प्रॉफिट, कॉल की पोजीशन को क्लोज नहीं करना है आपने अभी, कॉल की पोजीशन को वहीं रहने दो, वहां पर आपको 100 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, 100 का प्रॉफिट आ रहा है ना, 100 रुपए जेब से और लगा करके आप अपनी एटीएम की पुट को खरीद लो। इससे क्या होगा, अब आपका ये ट्रेड नो प्रॉफिट और नो लॉस पर पहुंच गया, ये आपका एक नॉन डायरेक्शनल ट्रायंगल बन गया। आई बात समझ में? चांसेस हैं नहीं आई होगी, आ गई होगी कमेंट लिख देना, नहीं आई होगी तो भी कमेंट लिख देना, पर दोबारा सुन लो, जब आपका नेकेड कॉल ऑप्शन बाय का जो प्रॉफिट है इतना हो जाए कि आपको एटीएम की पुट के बराबर हो जाए या एटीएम की पुट के आसपास पहुंच जाए, तो अपनी जेब से लगा करके एक एटीएम पुट खरीद लेना। अब आपने क्या करा है, एक तरफ कॉल खरीद रखी है, एक तरफ पुट खरीद रखी है, आप एक ऐसी जगह पर पहुंच जाओगे, हुआ क्या कि आपको उधर 100 पॉइंट का बेनिफिट आ रहा था और इधर आपको 100 पॉइंट की पुट खरीद ली। मतलब क्या हुआ कि आपके प्रॉफिट ने आपकी पुट को फाइनेंस कर दिया बारोबार, ऐसे समझ लो, आपके कॉल के प्रॉफिट ने आपकी पुट को फाइनेंस कर दिया। अब बाजार जहां मर्जी चला जाए आपको लॉस नहीं आएगा, आप नो प्रॉफिट नो लॉस स्ट्रेंगल पे पहुंच चुके हो। एडवांस कॉन्सेप्ट है, समझ आया हो तो भी बताना, नहीं आया हो तो भी बताना, एक मिनट लगा करके। ये मैंने आपको अपनी तरफ से तीन तरीके बताए अपने ट्रेड से एग्जिट करने के। पहला तरीका, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो, फ्रैक्टल लगा लो, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो। दूसरा तरीका, जोड़े में खरीद लो, डबल में खरीद लो, जब डबल हो जाए तो एक को निकाल दो, एक को रख लो, राइड कर दो, प्रॉफिट घर कर लो। तीसरा तरीका आपको बताया ये वाला, जब आपका प्रॉफिट इतना हो जाए कि जितने में आपकी पुट एटीएम पुट फाइनेंस हो रही हो, तो उस समय अपनी जेब से पैसा लगा करके एटीएम पुट खरीद लो, आपको लॉस इस ट्रेड में नहीं आएगा। अभी तक मेरे भाई मैं आपको नेकेड ऑप्शन बाइंग, कॉल ऑप्शन बाइंग क्या होती है, मेरे पास जो थॉट्स थे वो मैं थॉट्स आपके साथ में शेयर करने की मैंने कोशिश की। कंटेंट आपको कैसा लगा, क्या मैं आपको इतनी देर के अंदर में आधे पौने घंटे में क्या आपको कोई एक ऐसी चीज बता पाया जो आपको पहले नहीं पता थी? अगर आपको लगे तो प्लीज आप उसको कमेंट में बताइएगा। अगर आपको लगे कि मैंने कहीं पर कोई वैल्यू ऐड की है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार कर लीजिएगा। कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे किसी और भाई के काम आ सकती है तो आप उसको शेयर कर दीजिएगा, विद आई होप कि वो इसको देखेगा और ठीक ठाक रहा तो शायद चैनल को ज्वाइन कर लेगा। मैं फिर पूरी कोशिश करूंगा जल्द मिलूं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूं जो आपको रियल लाइफ मार्केट में काम आए।
जो आपको ट्रेड लेने में हेल्प करे, जो आपके लॉसेस को कंट्रोल करने में हेल्प करे, और सब ठीक ठाक रहे तो आप शायद थोड़ा बहुत उसमें से कुछ प्रॉफिट भी बना पाए। वीडियो को मैं कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। जल्द मिलूंगा नए होप्स, नए मोटिवेशंस, नए इंस्पिरेशंस के साथ, नए टॉपिक्स के साथ, नए इंसाइट्स के साथ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।